हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बैकऑन ड्राइव को मोडबस कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं और ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं। मोडबस कम्युनिकेशन के लिए हमने डेल्टा पीएलसी लिया हुआ है। डेल्टा पीएलसी के थ्रू मोडबस कम्युनिकेशन करेंगे बैकऑन ड्राइव का। सबसे पहले हम ड्राइव के पैरामीटर सेट करना देखेंगे कि हमें ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं मोडबस कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे कि हमें कम्युनिकेशन के लिए पीएलसी में क्या प्रोग्राम करना होता है। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव के पैरामीटर सेट करेंगे। मोडबस कम्युनिकेशन के लिए हमने यहाँ ड्राइव का यूजर मैनुअल लिया है। सबसे पहले पैरामीटर आता है ड्राइव का कमांड का, कि ड्राइव को हम कमांड जो स्टार्ट स्टॉप है ड्राइव को कहाँ से करेंगे। तो उसका पैरामीटर है f0.01। इसमें कम्युनिकेशन हमें यहाँ पे 2 सेट करना है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए प्रोग्राम की को प्रेस करते हैं, पैरामीटर ग्रुप f0 एंटर करते हैं। पैरामीटर ग्रुप f0.01 में जाना है, f0.01 एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें 2 सेट करना है, 2 सेट है। अगर ये 2 सेट हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी ब्लिंक करेगा, 2 सेट है इसलिए एलईडी ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद सोर्स कमांड सेट करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी कमांड सेट करना है। फ्रीक्वेंसी कमांड सेट का पैरामीटर है f0.03। प्रोग्रामिंग की को प्रेस करते हैं, f0.03 एंटर करते हैं। यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब कम्युनिकेशन सेटिंग। तो हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी भी जो होगी कम्युनिकेशन के थ्रू चेंज होगी। हमें 2 पैरामीटर चेंज कर सेट करने हैं। सबसे पहले सोर्स का कमांड और फ्रीक्वेंसी का कमांड, स्टार्ट स्टॉप सोर्स और फ्रीक्वेंसी कमांड दोनों हमने सेट कर दिया। उसके बाद हमें कम्युनिकेशन पैरामीटर सेट करने होते हैं ड्राइव में। पैरामीटर ग्रुप है fc, ये आ गया कम्युनिकेशन के पैरामीटर का ग्रुप, fc ग्रुप है। इसमें लोकल एड्रेस हमें ड्राइव का, यहाँ पे fc.00 में हमें ड्राइव का एड्रेस डालना होता है। जो भी हमें ड्राइव में एड्रेस सेट करना हो यहाँ पे हम सेट करेंगे। सबसे पहले fc ग्रुप में जाते हैं, fc ग्रुप एंटर करते हैं, पैरामीटर fc.00 एंटर करते हैं। यहाँ पे 4 है, अभी हमने ड्राइव का जो एड्रेस है 4 किया है, जो ड्राइव का एड्रेस है 4 है। उसके बाद हमें बाउड रेट सेट करना होता है। बाउड रेट पैरामीटर है fc.01। यहाँ पे हमने बाउड रेट सेट किया है 9600। 5 का मतलब है, 5 मतलब 9600। उसके बाद फॉर्मेट, डाटा फॉर्मेट fc.02 में हमें डाटा का फॉर्मेट सेट करना होता है। fc.02 में हमें डाटा का फॉर्मेट सेट करना होता है, fc.02। अभी हमने 1 सेट किया है, 1 का मतलब है 8E1 प्रायोरिटी, स्टॉप बिट 1, 8 बिट और इवन प्रायोरिटी, 8 बिट इवन प्रायोरिटी स्टॉप बिट 1 हमने 1 सेट कर दिया है। इसका मतलब इवन प्रायोरिटी में 8E1। इसके बाद हम प्रोग्राम की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमें ये 5 पैरामीटर सेट करने होते हैं ड्राइव में। उसके बाद हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं कि हमें पीएलसी में क्या क्या प्रोग्राम करने होते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम पीएलसी का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, डेल्टा पीएलसी का WPL सॉफ्ट, न्यू पर क्लिक करते हैं, ओपन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे मॉडल नंबर लिया है SS2, SS2 PLC है। उसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोग्राम को पर क्लिक करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोग्राम पर जैसे ही क्लिक करेंगे विंडो ओपन हो जाएगा कम्युनिकेशन विजार्ड का। हम यहाँ पे जो पीएलसी का कम्युनिकेशन कर रहे हैं
कॉम टू के थ्रू कर रहे हैं, पीएलसी और ड्राइव का कम्युनिकेशन है कॉम टू के थ्रू कर रहे हैं, कॉम टू RS-485 है, कॉम टू के थ्रू हमने ड्राइव और पीएलसी को कनेक्ट किया है। हम यहाँ पे कॉम टू सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी, हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन कॉम टू प्रोटोकॉल D1120, यहाँ पे हमें कंडीशन सेट करनी होती है कि प्रोटोकॉल कब सेट हो। तब यहाँ पे मेमोरी बिट लेते हैं M और M1000, यहाँ पे हम M1000 मेमोरी बिट ले लेंगे। अभी हमने जो उसके बाद हमें कम्युनिकेशन को होल्ड करने के लिए ये सेलेक्ट कर देंगे, जो भी हमारी कम्युनिकेशन सेटिंग रहेगी इसको होल्ड करने के लिए हम इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे। अभी हमने डाटा बिट लेंथ 8 ली है इसलिए 8 पर क्लिक कर देंगे, और E1 है और स्टॉप बिट 1 है, तीनों सेलेक्ट कर दिए हमने। उसके बाद हम स्टेशन एड्रेस, स्टेशन एड्रेस मतलब पीएलसी का एड्रेस, पीएलसी का एड्रेस अभी हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर दिया है, अभी पीएलसी का एड्रेस 1 रहेगा। उसके बाद हमें अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं RTU मोड पर कर रहे हैं इसलिए हमने RTU मोड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद 8 बिट हम यहाँ पे टाइम आउट डाल देते हैं 200। उसके बाद हम रिसेट फ्लैग M1127 पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन कम्युनिकेशन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। कम्युनिकेशन का पैरामीटर सेट हो गया है। उसके बाद हम एक रिक्वेस्ट भेजना होता है, सेंड रिक्वेस्ट पीएलसी को, तो LD मेमोरी बिट लेते हैं, LD स्पेस M1013 एक क्लॉक पल्स है 1 सेकेंड की, एंटर करते हैं, रिक्वेस्ट का है सेट करते हैं सेट M1122, ये सेंड रिक्वेस्ट है। उसके बाद कमांड लिखेंगे LDP मेमोरी बिट M1013 क्लॉक पल्स लिया हमने, इसे हम काउंटर को ऑन करेंगे, CNT काउंटर की कमांड होती है, CNT काउंटर नंबर है C0, काउंटिंग है 5 तक काउंट करेगा काउंटर, 1 सेकेंड ऑन ऑफ होगा तो काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी 5 तक के, जैसे 5 हो जाए तो LDC0, जैसे काउंटर हाई हो जाएगा तो इसी काउंटर से हम काउंटर को रिसेट भी करा देते हैं। रिसेट का पैरामीटर होता है RST रिसेट स्पेस C0, काउंटर रिसेट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए तो पुश बटन लिए, स्टार्ट पुश बटन NO टाइप है और जो स्टॉप बटन है जो NC टाइप है, इसका ब्लॉक NC है और स्टार्ट का ब्लॉक NO है। तो कमांड लिखेंगे LDX0, यहाँ पे हमने नॉर्मली NC लिया है इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मली ओपन लेंगे, और LDX1 स्टार्ट की कमांड है, इससे एक आउटपुट बिट ऑन कर लेते हैं, आउटपुट मेमोरी आउट OUT आउट स्पेस M0। अब इसको हम लैच करा देते हैं, मेमोरी बिट M0 से लैच कराएंगे, LDM0 एंटर कर देते हैं। ये हमने होल्डिंग सर्किट बना दिया, ये स्टॉप बटन है और स्टार्ट बटन, उसके बाद उसको एक बार डाउनलोड करके देखते हैं। ये NC है, यहाँ पे नॉर्मली NC है इसलिए यहाँ पे RE कंटिन्यूटी और ये
स्टार्ट बटन है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑन होगा, ये होल्ड हो गया। मेमोरी बिट M0 लिया हमने तो इसी का होल्डिंग सर्किट बन गया है। स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है। इसके बाद हम ड्राइव को रिक्वेस्ट भेजने के लिए कमांड लिखेंगे LD इक्वल टू स्पेस C0 स्पेस K1 काउंटर। जब काउंटर की वैल्यू 1 हो और मेमोरी बिट M0 हाई हो, LDM0 हाई हो, तो ड्राइव में कमांड भेजेंगे ड्राइव ऑन की, मोड कमांड है मोड WR। जो कमांड राइट करने की कमांड होती है मोड WR स्पेस K4, K4 ड्राइव का एड्रेस है, FC.00 में जो डाला था एड्रेस K4। इसके बाद हेक्सा वैल्यू, हेक्सा ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ड्राइव का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल 2000 में अगर 1 रहेगा तो ड्राइव फॉरवर्ड में ऑन होगी और 2 रहेगा तो ड्राइव रिवर्स में ऑन होगी। 2000 में अगर 1 मूव करेंगे हम तो ड्राइव फॉरवर्ड में चालू होगी, अगर 2 मूव करेंगे तो ड्राइव रिवर्स में ऑन होगी। और इसका अगर हमें ड्राइव को स्टॉप करना है तो हमें यहाँ पे 5 या 6 भेजना पड़ेगा, तो 5 करेंगे तो फ्री स्टॉप होगा और 6 करेंगे तो डी एसलेशन टाइम, ड्राइव में जो भी हम डी एसलेशन टाइम सेट करेंगे उसके हिसाब से ड्राइव स्टॉप होगी। तभी हम 1 से फॉरवर्ड ऑन करेंगे और 5 से ड्राइव को स्टॉप करेंगे। तो कमांड है मॉड K4 ड्राइव का एड्रेस, उसके बाद हेक्सा 2000 स्पेस K1, K1 मतलब ड्राइव को फॉरवर्ड ऑन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे काउंटर के इसलिए ले रहे हैं कि ड्राइव में हम एक साथ एक बार में एक ही कमांड भेज सकते हैं, इसलिए हमें एक एक कमांड भेजना है। तो LD इक्वल टू स्पेस C0 स्पेस K2, जब काउंटर की वैल्यू 2 रहेगी और मेमोरी बिट LDIM0 ऑफ रहेगा तो हमारे ड्राइव को ऑफ करना है। तो मोड WR K4 ड्राइव का एड्रेस हेक्सा 2000 K5 K5 में अब हम 5 मूव करेंगे, हेक्सा 2000 में हम 5 मूव करेंगे तो ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी, और जब 1 मूव करेंगे तो ड्राइव हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें ड्राइव में फ्रीक्वेंसी देना है, तो LD स्पेस LD इक्वल टू स्पेस LD इक्वल टू स्पेस C0 स्पेस K3, जब काउंटर की वैल्यू 3 आए तो हमारे ड्राइव पे कमांड फ्रीक्वेंसी कमांड हमें सेट करना है। तो मोड MOD मोड WR स्पेस एड्रेस K4 स्पेस फ्रीक्वेंसी कमांड का एड्रेस है 1000 हेक्सा 1000 में हम 10000 वैल्यू सेट करेंगे डेसिमल वैल्यू, तो हमारी ड्राइव है फुल हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज में ऑन होगी। तो हम यहाँ पे हेक्सा H 1000 में एड्रेस यहाँ स्पेस T0 लेते हैं डाटा रजिस्टर, इसमें हम वैल्यू डालेंगे फिर और एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम इसको USB में सेंड कर देते हैं। एक बार हम सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डालते हैं D0 में, D0 K 5000, जैसे 5000 डालेंगे तो यहाँ पे 25 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गया 25 हर्ट्ज़,
यहाँ पे 10,000 डालते हैं, 10,000, तो वहाँ पे 50 हर्ट्स आ जाएगा, 50 हर्ट्स। अब हम जैसे ड्राइव को अभी ऑन करते हैं, मेमोरी रीड M0 ऑन हो जाएगी जैसे, तो ड्राइव हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइव हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम जैसे स्टॉप करेंगे, हमारा ड्राइव स्टॉप हो गया है। अगर हम यहाँ पे K2 कर देते हैं, ऑनलाइन मोड पे आते हैं, इसको K2 कर देते हैं, मतलब रिवर्स, तो डाउनलोड कर देते हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा ड्राइव रिवर्स में ऑन हो गया, इंडिकेटर ये ऑफ हो गया, इसका मतलब हमारा ड्राइव अभी रिवर्स में ऑन हो गया है। स्टॉप करते हैं, स्टॉप हो गया। तो इस तरह से हम ड्राइव को, अगर हम PLC में मोडबस कम्युनिकेशन के थ्रू ऑन ऑफ करना है, इस तरह के पैरामीटर सेट करने होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।